हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप सब ठीक होगे। सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं रविंदर आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल RC Vlogs पे। सो फ्रेंड्स, आज जो व्लॉग है वो हमारा होने वाला है i20 N9 की थर्ड सर्विस के रिगार्डिंग। और आज डेट है 8 अप्रैल। टाइम ऑलमोस्ट 3:55 हो रहे हैं, 4 बजने ही वाले हैं। एंड हमारी जो गाड़ी है वो चल चुकी है 15,340 किलोमीटर। तो अभी क्या है कि लास्ट जो सर्विस कराई थी वो 8,000 के अराउंड करवाई थी मैंने। तो मेरी क्या आदत है ना कि मैं 1,500 किलोमीटर सर्विस ना पहले ही करवा लेता हूँ, बाकी या जब टाइम मिले तब करवा लेता हूँ, या किलोमीटर्स या टाइम जो भी इनका पीरियोडिक आता है ना, वो जो भी जो पहले है मैं उस हिसाब से करवा लेता हूँ। बट मैं हाँ पहले ज़रूर करवा लेता हूँ 1,500, उससे क्या कि गाड़ी मेंटेन अच्छी रहती है, बाकी अपना अपना हिसाब होता है ना। तो अभी क्या सीन है कि अभी गाड़ी भी सर्विस दिखा रही थी कि आपके 500-600 किलोमीटर रह गए हैं, और मेरे को सर्विस सेंटर से भी कॉल आ रही थी कि सर लॉट फ्री है, आज टाइम भी है तो आपको गाड़ी सर्विस होके जल्दी मिल जाएगी, तो आप आ सकते हैं अगर आना चाहें। वैसे तो मैंने सुबह 9 बजे का लॉट बुक कराया था, बट किसी रीज़न से घर पर काम था, कहीं जाना था हमने फैमिली ने, तो वहाँ से फ्री होके अब मैं फ्री हुआ हूँ तो अभी जा रहा हूँ। तो अभी क्या सीन है कि हमारे ना इधर सर्विस सेंटर तो हैं काफ़ी, 4-5 है, नॉर्दर्न हुंडई है, ग्रोवर हुंडई है, गोयल हुंडई है, एक दो और है ना, बट हमारी जो प्रेफरेंस रहती है वो गोयल हुंडई रहती है, क्योंकि हमने गाड़ी भी उन्हीं से ली है ना। एक तो इनका शोरूम है दिल्ली रोड जुगियाना, ठीक है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक है तरीके रोड पे, तो वहाँ पे जाने का मेन रीज़न क्या है कि हमारी एक तो पुछगिछ अच्छी है, लाइक अगर कस्टमर कोई कंप्लेंट लेके आता है वहाँ पे रिजॉल्व अच्छे से किया जाता है, कुछ भी है ना, कोई भी कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है ना वो भी आपको अच्छे से डील करते हैं। तो मेरे को तो आज तक कोई कंप्लेंट आई नहीं है वहाँ पे, इसलिए मेरी प्रेफरेंस भी वही रहती है। तो थर्ड मेजर सर्विस है, ठीक है गाइज, एंड इसमें लाइक ऑयल चेंज वगैरह सब कुछ होता है ना। और इस बार हम AC फिल्टर भी चेंज करवाने वाले हैं। ये PRTC वाले ना कभी चैन से कुछ करने नहीं देंगे, जब देखो ना इनका लगा रहता है चैन, चाहे पैन पैन लगी रहती है। तो हाँ गाइस, मैं अभी क्या बता रहा था कि थर्ड मेजर सर्विस है, वीडियोग्राफी तो वहाँ पे अलाउ होती नहीं है, है ना, जहाँ पे वो कस्टमर लॉन्च होता है तो वहाँ से हमारी गाड़ी इजीली विजिबल रहती है, तो वहाँ से हम दिखाएंगे कि हाँ जी कि हमारी गाड़ी में सर्विस क्या हो रहा है, क्या पार्ट्स जो हमने बोले हैं, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, और प्लस क्या खर्चा आता है इसका थर्ड सर्विस में i20 NA DCT का क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता, वो आपको सब दिखाएंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ एजेंसी की तरफ, जैसे ही हमारी गाड़ी की सर्विस शुरू होती है तो फिर दिखाते हैं आपको उसके शॉट्स। तो गाइस जो आप देख रहे हैं ना सामने वही है हमारा गोयल हुंडई का शोरूम है। तो गोयल हुंडई आपको जाने के लिए ना, अगर आप लुधियाना से हो तो अगर आपको गोयल हुंडई जाना है तो ठीक, ये सामने ना इंडियन ऑयल का पंप आ रहा है, ये वाला है ना, ये जो आप देख रहे हैं MG का शोरूम भी है। तो उसके ठीक इसके सामने ना ऑपोजिट एक कट आता है पुल के नीचे जाने के लिए, तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। लेके ना थोड़ा सा ही आगे जाके आपको नीचे को यूटर्न दिखेगा, मतलब पुल के नीचे के लिए यूटर्न दिखेगा, तो आपको वहां जाना है। कट तो पीछे से भी है काफी, बट ये सही है, मतलब पास पड़ता है उसको गोयल हुंडई पहुंचने के लिए। ये जो आप अंडर पास देख रहे हैं ये वाला, तो इस अंडर पास से नीचे जाके टर्न लेके तो राइट, फिर आगे जाके आपकी एजेंसी आ जाती है। तो गाइस ये हमारे लेफ्ट में आ चुकी है गोयल हुंडई। तो
अभी हम अंदर जाके मेरे को कॉल भी आया कि सर आप आए नहीं, मैं कह जी आ गया, तो चलते हैं एंट्री वगैरह करवाते हैं और जैसे ही सर्विस शुरू होती है तो आपको शॉर्ट्स दिखाते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो मैं कस्टमर लाउंज में बैठा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि वो जो फर्स्ट देख रहे हो ना ये वाली हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैं करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, यहाँ पे चाय कॉफी आ रही है तो उसको पीजिए, फोन करेंगे वहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं है उसके सामने। तो अभी यहाँ पे कस्टमर लाउंज ने शिफ्ट कर दिया है, तो इसमें सीसीटीवी के थ्रू आप अपनी गाड़ी को देख सकते हो कि आपकी गाड़ी की सर्विस हो रही है कि नहीं है। मैंने उनसे बता दिया कि जैसे हमने एक बार ही सेमी सिंथेटिक नहीं पूरी सिंथेटिक डालना जिससे हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी आए, क्योंकि हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाइस हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है हम बी एन डी वगैरह करते हैं ना, तो इसमें अगर वो भी चीज़ ज़रूरी है कि इंजन ऑयल भी अच्छा हो। तो बाकी जो मैंने आपको बताया था ए सी फिल्टर वगैरह ये वो सब कुछ, ब्रेक की क्लीनिंग, डिस्क की क्लीनिंग, कैलिपर्स की क्लीनिंग, ठीक है, रोटर्स की क्लीनिंग, तो सब कुछ उनको समझा के आ दूँ कि ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो बाकी जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ जी गाइस, हम अपनी गाड़ी की सर्विस करा के आ चुके हैं और टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है 7:46। हम 4:30 बजे आए थे तो करीबन कोई 2-2.5 घंटे के आसपास लग गया टाइम। थोड़ा अब सर्विस में क्या था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फुली सिंथेटिक ऑयल डलवाना था इस बार, ब्रेक की प्रॉपर क्लीनिंग करवानी थी, ठीक है, अपने व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट प्रॉपर करवानी थी। तो मैं कहा चलो वैसे भी करवानी थी मेरे को व्हील बैलेंसिंग, मैं कहा बाहर से भी हो नहीं है अंदर से हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। स्कैनिंग करवाई गाड़ी की पूरी अच्छी तरीके से, पूरे प्रॉपर क्लीनिंग करवाई, एसी फिल्टर वगैरह सब कुछ, मतलब जो मैंने आपको बताया था वो सब कुछ करवाया। अभी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा बिल। तो गाड़ी की ओवरऑल सर्विस पूरी अच्छे से धुल चुकी है, इंटीरियर बिल्कुल साफ़ हो चुका है, जो भी इनका होता है ना वो सब कुछ हो चुका है, तो फ्री हो चुका है। मैंने ज़्यादा नहीं तो 30-40 सेकंड्स की क्लिप बनाई थी अंदर जाके, उनको चलो परमिशन लेके उनसे, है ना, अपने चलो जानने वाले थे हमारे सर्विस एडवाइज़र, बोलते चलो कोई बात नहीं पर ज़्यादा कोई देख ना ले कोई सीनियर, मैं कहा चलो कोई बात नहीं मैं फटाफट से एक छोटी सी क्लिप ले लेता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी फूटी किस्मत, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे चले गए थे, 5:30-6 बजे चले जाते सारे, अब फ़ोन बंद हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, चलो जितना से शॉट ले पाया मैं उतना ले लिया, चलो मैं कहा जितना से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, हमारी तो वही रहता है कि जितना जितना दिखा सके हम आप अपनी ऑडियंस को उतना चलो दिखाते हैं, है ना। तो बाकी गाड़ी अभी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अभी परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ठीक है, कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। तो ब्रेक्स का भी ऑलमोस्ट
क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने साफ़ किया। जैसे ही मैं पैडल प्रेस कर रहा हूँ वैसी ब्रेक लग रही है, मतलब बिल्कुल, मैं इन द सेंस आपको कहना चाह रहा हूँ कि अपनी सर्विस बिल्कुल ओके हुई है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। गोयल हुंडई वालों को थम्स अप है, तो जिन्होंने सर्विस इतने अच्छे से की और अच्छे से अटेंड किया अपने को, अच्छा सब कुछ किया ना। तो फ्रेंड्स अभी चलो मैं घर जा रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ घर जाके। गाइज आपका भाई घर पहुँच गया है, जस्ट अभी अभी पहुँचा हूँ मैं। तो अभी क्या है, जो मैं आपको बोला था कि मैं आपको बिल दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बिल, इतना दिखाता हूँ, ये आप बाकी पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको समझा भी देता हूँ कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। ये फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, ये ग्रीनशील्ड वॉशर है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, डलवा भी सकते हो, नहीं भी डलवा सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैसे तो मैंने अमेजोन से वो टैबलेट्स और लिक्विड मंगाया हुआ है, मैं वो डालता हूँ, उससे क्लीनिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, ठीक है। और जो मैं बोल रहा था, इन दोनों ने सिंथेटिक फुली डलवाया, मैंने सेमी सिंथेटिक नहीं डलवाया, ठीक है। ये 3.5 लीटर डला है और ये उसका जो पर है रेट जो 18% टैक्स वगैरह लगा के 791 रुपये, 2770 रुपये का पड़ा है, ठीक है। फिल्टर असेंबली एयर, ठीक है, ये जो अपना उसका एसी का फिल्टर है वो वाला है, 290 रुपये के आसपास, ठीक है। फिल्टर असेंबली इंजन ऑयल वाला है, ठीक है, उस पर इस पर पता नहीं क्यों 28% लगाया, मे भी ये ज़्यादा वो पता नहीं यार क्या चलता रहता है इनका टैक्सेस का, है ना। तो ये फिल्टर असेंबली इंजन ऑयल है, ठीक है, ये 80 रुपीज़ के अराउंड है। व्हील वेट लगा है और वो है 125 के अराउंड। बाकी एसी 3M का है ऑप्शनल, ये मैंने लिया है अभी, ठीक है यार, एसी अच्छा साफ़ हो जाता है, कूलिंग अच्छी आती है ना, टाइम टाइम करवा लेना चाहिए, इससे ब्लॉकेज वगैरह भी नहीं होती है कोई। और ये बोथ फ्रंट ब्रेक वगैरह की क्लीनिंग, ठीक है, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, रोडेंट रिपेलेंट मीडियम, ठीक है, लुब्रिकेशन हिंजिस जॉइंट बैटरी की, ठीक है, ये जो डोर लॉक्स है उसकी लुब्रिकेशन, ड्राई हो जाते हैं ना तो किड़किड़ की आवाज़ करता है, तो उसके उसको प्रिवेंट करने के लिए तो लुब्रिकेशन करवाई है। तो जो हमारा टोटल अमाउंट है गाइज वो है 8001 रुपये। वैसे 8500 के अराउंड बना था, तो डिस्काउंट वगैरह लगा के मेरे को जो मिला है वो 8000 पूरा मिला है। तो थोड़ा महंगा इसलिए हो गया इस बार सर्विस, आप सोचोगे कि महंगी क्यों है यार, ठीक है। तो गाइस महंगी इसलिए कि फिल्टर बोल गया तो आपका इंजन ऑयल थोड़ा महंगा है, ये फुली सिंथेटिक है ना, जो नॉर्मल इंजन ऑयल है ना वो 3-3.5 लीटर जो डलता है वो अराउंड कोई 1500-1600 के अराउंड होता है, ठीक है, इसलिए भी कॉस्ट आ गई। प्लस मैंने ये सारी चीज़ें जो मैंने मेरे को कमी पेशी लग रही थी जिस चीज़ से, वो सारी चीज़ें करवाई है, जो ये चीज़ें है ना, जो ये एसी डिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये व्हील अलाइनमेंट बैलेंस, देखो बाहर से भी होनी है वो आपको, इधर भी होनी है, ठीक है, चलो इसको भी छोड़ते हैं। अगर हम बात करें एसी डिफ्लेक्शन की, ठीक है, और ये रोड रिपेलेंट लुब्रिकेशन, ठीक है, ये जो है 800-375, और ये विंडशील्ड वॉशर है, ठीक है, तो ये आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सर्विस करा रहे हो तो कोई उसमें वो नहीं है कि आपको लाजमी कि डलवाना ही डलवाना है, ये आप चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हो। तो ऐसा ना सोचना कि महंगी सर्विस, नॉर्मल जो सर्विस है जो 4000 के अराउंड हो जाती है, 4-5 के अराउंड, तो ये थोड़ी महंगी होगी क्योंकि ऑयल की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया। तो बाकी गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और अपने अपने भाई को सपोर्ट करिए और अपने चैनल RC Vlogs को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, सत श्री अकाल।